अब ये आने वाले समय से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बगल में ये मंदिर देखिए, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हेलो गाइस, दिस इज सूरज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एसआर। और दोस्तों, आज हम और एक नया जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जिस जगह में हम जा रहे हैं, वैसे उस जगह को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। उस जगह के बारे में सभी को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही वहाँ तक जा पाए हैं या जा चुके हैं। तो उस जगह का नाम है, वो है झारखंड का सबसे बड़ा, सबसे ऊँचा पहाड़, पारसनाथ। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, पारसनाथ। और वहाँ से रांची से उसकी दूरी है लगभग 150 किलोमीटर। तो धनराज भाई काफ़ी दिनों से इसके प्लान बना रहे थे, तो फाइनली आज वो दिन आ गया है, तो आज हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो में ऐसे बने रहे हैं और हम आपको बताते चलेंगे क्या है, कैसे है। और फिर अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए दोस्तों, धनराज भाई आने वाले होंगे, तो फिर मैं जाता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों को, बताते चलूँगा कैसा है क्या है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहे दोस्तों। लेट स्टार्ट द जर्नी गाइज, ऐसे बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हम निकलते हैं, अभी सिलसिला बाकी है। हेलो गाइस, फाइनली हम आधा रास्ता पहुंच गए हैं जहां हमारी जर्नी थी, जहां हमें जाना था। और हमें सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया था, तो हम नाश्ते के लिए इस होटल में रुके हुए हैं। धनराज भाई नाश्ता करना शुरू कर दे, मैं भी चलता हूं, नाश्ता करता हूं। और हमें और आधा जर्नी कंप्लीट करनी है जहां हमें पहुँचना है, तब तो हमारे वीडियो में ऐसे बने रहे हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे हमारी जर्नी के लिए। हाय गाइस, हम थोड़ा रूम में रेस्ट करके अभी थोड़ा मार्केट की तरफ निकले हैं। और जस्ट हमारे रूम के जस्ट बगल में ही एक ये है, श्री दिगंबर जैन मध्यलोक शोक संस्थान, जो जैन लोगों का मंदिर होता है, जैसे आप बोल सकते हैं, जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो है। तो हम इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे।
चलिए दोस्तों हम अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले अपने जूते चप्पल, और यहाँ पे नल दिया हुआ है, यहाँ पर हाथ पांव धो के जाना है अंदर। तो हम थोड़ा हाथ पांव धो लेते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखिए ऊपर कैसा है, मैं जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए काफी खूबसूरत और काफी बड़ा ये जेएनयू का जहाँ पे ध्यान करते हैं ये वो है। आप लोग देख सकते हैं काफी शांति और काफी विशाल, बहुत बहुत ही बड़ा है। ये देखिए गुम्बद, ये छत, मैं आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ। जैन मुनि के जो भगवान होते हैं वो, और वो लोग ध्यान कर रहे हैं। ये देखिए उन लोगों का भगवान, और मैं आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों हम आपको, ये एक सर्किल बना हुआ है, इसके चारों तरफ हम एक बार घूम के दिखाते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर छोटी छोटी मंदिरें बनी हुई है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर लोग इसका राउंड लगाते हैं। ये देखिए इसमें सारे में भगवान है, जैन भगवान। ये देखिए आप लोग सारे में है, जितने भी आपको यहाँ मूर्तियाँ दिख रही है सब में है। और मैं हम लोग आपको दिखाता हूँ आगे। दोस्तों यहाँ पे जो इस धर्म को जो मानते हैं वो लोग यहाँ पे पाठ कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा सुना। और जस्ट पीछे अंदर में सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो जैन भगवान की है, जितना हमें पता है। और हम जिस तरह से देख रहे हैं सारी मूर्तियाँ उन्हीं की, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने से। मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज आप लोगों को और एक खूबसूरत सा टेम्पल दिखाते हैं जो जैन लोगों का है। ये देखिए सामने में है, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, आप लोग इसे बने रहिए। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत, आपको आगे ले चल दिखाता हूँ सामने से। ये देखिए दोस्तों जिन लोगों भगवान, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक लोग बोलते हैं ये पारस भगवान ही है। अब और भी मंदिरें बन रही है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा यहाँ का, यहाँ इवनिंग बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए यहाँ पर लाइन से चारों तरफ आपको इस तरह से छोटी छोटी मंदिरें दिखेगी, जिसके सब सभी के अंदर आपको ये जैन भगवान मिलेंगे, जैन मुनि जिसे बोलते हैं सभी में। और ये चारों तरफ लाइन से छोटी छोटी मंदिरें बनाई गई हैं,
जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और आगे भी हैं। हम आपको दिखाते हैं आगे की तरफ ले जाके। दोस्तों आप लोग देख चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत है, और इसके बगल में और एक है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आगे। दोस्तों अब हम बगल वाला मंदिर में आ गए हैं, और यहाँ पर एक खूबसूरत सा भगवान का मूर्ति बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अभी लगता है बन ही रहा है, काम चल ही रहा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, और ये अभी घिरा हुआ है, अब ये आने वाले समय से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बगल में ये मंदिर देखिए, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और इसके बगल में और एक मंदिर है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलिए दोस्तों, आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं मंदिर कैसा है। बहुत ही खूबसूरत तो लग रहा है, देखते हैं अंदर में कौन सा जैन भगवान का रूप है। यहाँ पर जूता चप्पल उतार के जाना है, साइड में उतार देते हैं कहीं चोरी ना हो जाए। चलिए ऊपर चलते हैं। इस मंदिर का नाम है श्री चैस चौबीसी मंदिर। मैं आपको अंदर की तरफ से दिखाता हूँ कैसा है ये। ये देखिए दोस्तों, ढेर सारी भगवान की मूर्तियाँ जो काफ़ी खूबसूरत हैं। ये देखिए और भी ढेर सारी हैं। ये देखिए इसका गुम्बद, मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए इसकी जो खूबसूरती है बहुत ही आकर्षक, और यहाँ पर भगवान की मूर्तियों से इसको सजाया गया है। और इस साइड भी सारी भगवान की मूर्तियाँ ही हैं, मैं आपको आगे की तरफ ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए सारे जैन भगवान की मंदिर मूर्तियाँ ही सारे, और यहाँ पर इतने सारे हैं किसे काउंट भी नहीं कर सकते। आपको आगे तक दिखाता हूँ। इसकी जो बनावट है बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेम मूर्तियाँ ही हैं, और यहाँ इसके अंदर भी आप देख सकते हैं छोटी छोटी जैन भगवान की मूर्तियाँ जो काफ़ी खूबसूरत है। और इस साइड देखिए, यहाँ पर भी ये देखिए, अनगिनत मूर्तियाँ। काफ़ी खूबसूरत है, और ये देखिए जैन मुनि जो गुरु रह चुके हैं वो लोग में दान पेटी है। और ये देखिए जैन मुनि माता जो थी वो ये देखिए, ये भी बड़े धर्म जैन रह चुके हैं, धार्मिक जैन। इसकी तब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसकी फोटो यहाँ पर लगी गई है। और इसके चारों तरफ की जो खूबसूरती है, जो डेकोरेशन है, ये सब इसकी मूर्तियों से है। तो दोस्तों बाहर में कुछ कुछ है ऊपर, और ये भगवान है पद्मावती माता, पद्मावती माता ये है, और इस साइड भी कुछ है। अच्छा, इस साइड भी वही है, भगवान की सारी मूर्तियाँ ही हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, आप लोग आइएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखकर। इतनी सारी मूर्तियाँ हैं जिसे आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं,
इतने सारे, और यहाँ पर छोटे मोटे इतने सारे मंदिरें हैं कि आप पूरा घूम भी नहीं पाएंगे इतना। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ, अगर आगे जाता हूँ इसके जस्ट बगल में और एक है, मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको और एक मंदिर का दर्शन कराने वाला हूँ, जो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। दूर से तो ऐसा लग रहा था कि लगता है कि दुर्गा पूजा या काली पूजा का पंडाल टाइप से लग रहा था, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर। ये बहुत ही अलग है दोस्तों और मंदिरों से। फोटो नहीं तो ये फोटो के लिए मना कर रहे हैं, तो फोटो नहीं लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं है, कि छोटा सा बाबा का ये है जो जैन मुनि थे, इसके जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप पीछे में वाइट वाइट देख रहे हैं, बस एक वही मूर्ति है, और इसकी खूबसूरती थोड़ी सी अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, ये देखिए, ये मुझे दूर से देखने से काली पूजा या दुर्गा पूजा का पंडाल टाइप से लग रहा था, यही इसका आकर्षक। और काफ़ी अंधेरा हो चुका है अब तो, कोई और दूसरा मंदिर है, ढेर सारे मंदिर है लेकिन थोड़ा दूर दूर है। तो चलिए देखते हैं, अगर जा पाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हम लगभग सारे मंदिर घूम गए हैं, लेकिन अभी भी ढेर सारे मंदिर थे जो नहीं घूम पाए हैं, और आज तो हम ऊपर नहीं गए, कल सुबह जाने का प्लान है। और अभी हम मार्केट आए हुए हैं घूमने के लिए, जस्ट बगल में ये हमारे रूम से। तो काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी दुकान वकान खुली हुई है और भीड़ भाड़ भी है, तो अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों फिर हम मिलते हैं आगे।